नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। तो दोस्तों, आज हम लोग गेट के बारे में, जो आपका एग्जाम है, बहुत ही जल्दी आपका एग्जाम आने वाला है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ पॉइंट हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रखे हैं, मैं पहले उनके बारे में बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आपका टेस्ट सीरीज। आप लोग टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही होगी कि आप जैसे ही टेस्ट देते हो कि सब्जेक्ट की आपकी तैयारी तो बहुत अच्छे से है, लेकिन आप जैसे ही टेस्ट देते हो आपके मार्क्स उसमें बहुत ही कम आ रहे हैं और आप लोग डिप्रेस हो जाते हो। आपको लगता है कि हमने टेस्ट तो अच्छे से, देखिए आपके क्वेश्चंस के आंसर हम अभी देंगे धीरे धीरे करके, तो आप लोग पहले ये सारी बातें सुन लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत दिन बाद मैं लाइव आ पाया हूं और मैं कोशिश करूंगा कि अभी एग्जाम के टाइम, एग्जाम से पहले आपको दो चार बार और लाइव आ जाऊं, जिससे आपकी कुछ हेल्प हो जाए। तो देखिए, आपको टेस्ट सीरीज से परेशान नहीं होना है। आप लोग टेस्ट देते हो, कुछ लोगों के मार्क्स बहुत कम आते हैं और उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, तो उन्हें लगता है कि लास्ट मोमेंट पे अगर ऐसा हो जाए तो वो डिप्रेस ही हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं कुछ लोग, खासतौर से जो कुछ कोचिंग वाले होते हैं, बहुत मतलब अच्छा पढ़ाते भी अच्छा है, वो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोग ज्यादा ऐसे बना देते हैं टेस्ट कि भैया थोड़ा टफ टेस्ट कर देते हैं, जिससे कि आपको लगे कि यहाँ पे कुछ अलग ही नई चीज पढ़ाई जाती है तो यहाँ जाना चाहिए। तो आप उससे बिल्कुल परेशान ना हो। आपको टेस्ट सीरीज से अगर कुछ अपने आप को कंपेयर करना है तो आप, मैं हर बार बोलता हूँ कि कभी भी आप आउट ऑफ, मान लीजिए 50 में से आपके 10 नंबर आ रहा है, उससे कंपेयर मत कीजिए। आप रिलेटिव कंपेरिजन कर लीजिए कि जो टॉपर है उसके कितने हैं, और कई बार एक टॉपर एक आध एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है, उसके बाद जो आपकी रैंक क्या आ रही है, वहां पे कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और आपकी रैंक क्या आ रही है, वो डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि टेस्ट सीरीज में अगर किसी के भी मार्क्स कम आ रहे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, आप अच्छे से अपनी तैयारी करते जाइए। दूसरी चीज बात करते हैं लास्ट मंथ में जो हमें तैयारी करना है वो कैसे करना। देखिए, हमें ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों के काफी कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए होंगे। हमारे जो चैनल है, इस चैनल पे जो गेट क्रैकर्स चैनल है, दूसरा वाला चैनल, उस चैनल पे शायद मैथ्स बचा हुआ है आधा, और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, बाकी उसके बाद कम्युनिकेशन और EMT बचा है, जो हम जल्दी ही कोशिश करेंगे कराने की। हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ रह जाए, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं बाद में दूंगा, पहले अपनी सारी बात बता दूं। तो आपको क्या करना है, आपने हो सकता है ऐसा कर ही लिया हो, वैसे मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है सिग्नल सिस्टम का, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उनकी एक लिस्ट बना के रखिए, और लास्ट मंथ में, बल्कि लास्ट मोमेंट की अगर हम बात करें तो उनको एक बार रिवाइज करते जाइए। लास्ट मंथ में, एक महीने में, वो सारे सब्जेक्ट के वो रिवीजन जरूर कर लीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने एक सब्जेक्ट का तो बना दिया है सिग्नल सिस्टम का, बाकी का भी मैं डाल दूंगा एग्जाम के एक महीने पहले ही, मैं वो सारे सब्जेक्ट के डाल दूंगा, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि लास्ट में रिवीजन क्या करना है, क्योंकि पूरा का पूरा तो सिलेबस हम रिवाइज कर नहीं सकते। तो बहुत अच्छा होगा कि हम सिर्फ उतना ही रिवाइज करें जो हमारे काम का है, मतलब जो बाकी चीजें तो आपको आती ही होंगी, लेकिन सिर्फ आपको फोकस करना है लास्ट मोमेंट पे उन चीजों पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी आप लोग भी अपने हिसाब से जो आपको लगता है बार बार क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक पे फोकस कीजिएगा। तो ये तो हो गई लास्ट मोमेंट की बात। अब कुछ गलतियां जो आप लोग बिफोर एग्जाम, जस्ट बिफोर एग्जाम करते हो, वो आपको नहीं करना है। पहली चीज, आपको रात भर कभी नहीं पढ़ना है कि भैया कल पेपर है, आज आप रात भर पढ़ रहे हो, पता चला सुबह लेट ही हो गए। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि टाइम पे एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। आजकल बहुत स्ट्रिक्ट रूल हो गए हैं कि आप अगर लेट पहुंचे हो, वहां पे अगर रिपोर्टिंग टाइम है कि भैया 8:30 बजे तक आपको पहुंचना है और उसके बाद 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन है एंटर होने का, उसके बाद जाओगे तो वो एंट्री नहीं देंगे आपको। तो आपको दूसरी चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि टाइम पे पहुंच जाओ। तीसरी चीज, आप लोग अगर जल्दी पहुंच भी जाओ तो आपस में जो डिस्कशन होता है ना, कि भैया कोई किसी ने बोला कि ये वाला क्वेश्चन बहुत टफ है और आपने कोई इंसिडेंट से वो नहीं पढ़ा होगा, आप डिप्रेस हो जाओगे। तो बहुत अच्छा है कि आप कोई डिस्कशन वहां पे सब्जेक्ट के बारे में मत कीजिए, क्योंकि अगर आप करोगे भी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप वहां पे इतना टाइम आपको है कि आप उस तैयारी, वो तैयारी कर पाओ। तो अच्छा होगा कि पढ़ाई की वहां पे बिल्कुल बात मत कीजिए, बल्कि हम तो बोल रहे हैं 24 घंटे पहले से आप रिलैक्स हो जाइए, किताबों को अलग रख दीजिए जो भी तैयारी होगी, क्योंकि रिकॉल करने के लिए थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो बहुत अच्छा होगा कि आप करीब करीब 24 घंटे पहले से अपनी पढ़ाई बंद कर दें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बहुत नॉर्मल लाइफ जिए 24 घंटे पहले। अब बहुत इंपॉर्टेंट है इनसाइड एग्जामिनेशन हॉल। हालांकि एक दो वीडियोज में और भी हमने बताया है, फिर मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देता हूँ। एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या गलतियां लोग करते हैं या क्या क्या हमें ध्यान रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ लोग क्या करते हैं, ये सोच के जाते हैं कि मैं ऑर्डर में नहीं करूंगा,
क्वेश्चन पेपर सॉल्व रेंडमली करूंगा या फिर पीछे से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। तो देखिए टाइम की, कुछ लोग अगर सोचें कि टाइम कम पड़ जाता है, तो मेरे हिसाब से अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो टाइम कम पड़ने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि 65 क्वेश्चंस ही रहते हैं और 3 घंटे रहते हैं। एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो इतने आसान मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा आसान, लेकिन हाँ अगर आपके बनता होगा तो उसमें 1 या 1.5 मिनट ही लगता है। तो बाकी जो 2 नंबर के क्वेश्चन हुए उनके लिए आपके पास हर क्वेश्चन में लगभग 3.5 से 4 मिनट आपके पास रहते हैं, जो आप बहुत आसानी से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो टाइम की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप रैंडम क्वेश्चन या पीछे से क्वेश्चन मत कीजिए। रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, मैं बताता हूं। क्या होता है ये तो आप समझ सकते होंगे कि जो 2 नंबर के क्वेश्चन है वो एज कम्पेयर टू 1 मार्क क्वेश्चन टफ होते हैं, और आप किस अगर पीछे से स्टार्ट किए हो, कोई इंसिडेंट से आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं बना, तो आपकी शुरुआत ही गलत हो जाएगी, शुरुआत में ही आप डिप्रेस हो जाएंगे कि हम पे पहला दूसरा 2-3 क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आप ऑर्डर में क्वेश्चन कीजिए। ये विशेष ध्यान रखिए कि आपको क्वेश्चन ऑर्डर में करना है। मैं अभी फिर आपके आंसर्स दे रहा हूं जो आप क्वेश्चन यहां पे लिख रहे हैं, ऑर्डर में क्वेश्चन करना है। दूसरी चीज क्या होती है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम ऑर्डर में चल रहे हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन हम पे नहीं बना, दूसरा भी नहीं बना, तीसरा भी नहीं बना, लगातार 4-5 क्वेश्चन ऐसे हो गए नहीं बने, फिर हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, क्या गेट में आप 100 मार्क्स का तो करने वाले हो नहीं, जब 100 मार्क्स का नहीं करने वाले हो तो 4-5 नंबर अगर चले भी जाते हैं तो उससे परेशान नहीं होना है। आप पहले से सोच के जाइए कि हो सकता है नेगेटिव, ये बिल्कुल सोच के जाइए कि हो सकता है स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन आप पे नहीं बनेंगे, तो वहां बिल्कुल आपको काम और कूल रहना है, बिल्कुल उस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो होंगे जो आप पे नहीं बनना है। और अगर आपकी किस्मत खराब रही कोई इंसिडेंट से, हो सकता है वो सारे के सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही आ जाए, तो आपको लगेगा कि हम पे तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन नहीं बन रहे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आप पे बनेंगे। तो आपको इस चीज से डिप्रेस नहीं होना है कि आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ये चीज का विशेष ध्यान देना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गेट के एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, ये आप लोगों को पता है, और लगभग 40-50% मतलब 35-50% मान लीजिए इतने मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन द सेंस कि जहां पे कोई ऑप्शन नहीं रहता है, आपको फिल करना पड़ता है, उनमें कोई माइनस मार्किंग तो नहीं रहती है, लेकिन तुक्का लगाने की प्रोबेबिलिटी वहां 0 होती है। तो उन क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट, देखिए कई बार क्या होता है वो क्वेश्चन ईजी आते हैं एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ईजी आते हैं, लेकिन उनमें गलती क्या करते हैं लोग, यूनिट का ध्यान नहीं रखते हैं। पहली चीज तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया करंट कैलकुलेट करने का, नेटवर्क एनालिसिस का, उसमें सारे रजिस्टर तो हैं किलो में, लेकिन एक रजिस्टर ओम में है, और आपने डायरेक्ट कैलकुलेट करना स्टार्ट किया और सारे रजिस्टेंस को ओम में लेके कर दिया। बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा, आपको लगेगा मेरा आंसर 100% सही है, लेकिन आपने एक उस रजिस्टर को जो एक रजिस्टर दूसरी यूनिट में था उसे सभी को सेम यूनिट में कन्वर्ट नहीं किया, गलती कर दोगे। तो एक ये गलती नहीं करना है। दूसरी, जब हम आंसर फिल करते हैं तो कई बार क्या होता है, मान लीजिए करंट निकाली, रेजिस्टेंसेस हैं किलो ओम में और वोल्टेज है वोल्ट में, आप करंट निकालोगे तो नॉर्मल सी बात है मिली एम्पियर में निकालनी चाहिए, लेकिन उसने आंसर में पूछ लिया डिटरमाइन करंट आई इन एम्पियर, आपने वो एम्पियर देखा ही नहीं और आपने तो फटाक से करंट कैलकुलेट की और आपने फिल कर दिया, आपका आंसर अगेन गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एम्पियर में पूछ रहा है, आप मिली एम्पियर में रख रहे हो। मतलब दूसरी चीज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ये याद रखना है कि आप किस यूनिट में आंसर फिल कर रहे हो। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की कंपैरिजन में बहुत आसान रहते हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखें जो हमने बोला है कि उसमें यूनिट का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद बात आती है एक दो, ये भी मैं कई बार बता चुका हूं कि एक आध क्वेश्चन पक्का आपको ऐसा फंसेगा जो आपको लगेगा कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं तो कर ही लूंगा इस क्वेश्चन को, लेकिन आप करते जाते हैं 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट हो जाते हैं, सॉल्व नहीं होता है, लंबा खींच जाता है, आपको लगता है आप कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर 3 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन खींच रहा है और आपको लग रहा है कि अब ये लंबा खींच रहा है, उस क्वेश्चन को आप मार्क कर दीजिए, मार्क करके आगे निकल जाइए, अदरवाइज आपका क्या होगा, बहुत टाइम वेस्ट तो हो ही जाएगा और आप डिप्रेशन में भी चले जाओगे, और आप डिप्रेशन में चले जाओगे तो आगे जो क्वेश्चन आपके बनना चाहिए वो नहीं बनेंगे। तो उससे अच्छा है उसको मार्क कीजिए, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आए, क्योंकि आपको पूरे 65 तो करना नहीं है, जो भी ऐसे क्वेश्चन आ रहा है मार्क कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट की जो बात हो रही है टाइम बहुत अच्छे से बच जाएगा। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को फिर स्किप करके आप आगे बढ़ जाइए, और जब सब पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर लौट के आइए, फिर उसको चेक कर लीजिए, ठीक है। एक और यहां पर आपको ध्यान देना है, एक और चीज है, चेक ऑल दी क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक चेक करते जाना है। अब आपको टाइम मैनेजमेंट का ये ध्यान रखना है कि कुछ आपको थोड़ा सा इस तरीके से पेपर देना है, हालांकि अभी बहुत टाइम है, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, जिससे इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि लास्ट में बस
आपके पास कम से कम 10 मिनट तो बच ही जाए, एग्जाम कंप्लीट हो जाए और 10 मिनट बच जाए, ऐसा आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख लीजिए। जिससे क्या होगा, लास्ट में आप उन क्वेश्चंस को दोबारा देखिए एक बार, जिन क्वेश्चन पे आपने मार्क किया है या जो क्वेश्चन आप पे नहीं बन रहे हैं, आप देखोगे कि शांत दिमाग से जब आप दोबारा उन क्वेश्चंस को देखोगे तो उनमें से कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप पे बन जाएंगे। साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपने कर लिए हैं उनको भी एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि होता क्या है जब हम लोग एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो फिर हमें एकदम से ध्यान आता है कि ये वाला क्वेश्चन यार हमने गलत कर दिया, निकलते ही जबकि कोई किताब नहीं देखते हैं फिर भी हमें ध्यान आ जाता है। डेट मीन्स कि अगर हम उस टाइम पे दोबारा देखे होते तो हमें वो गलती समझ में आ जाती। तो उन क्वेश्चंस को आपको दोबारा भी देखना है, एक बार 10 मिनट आप बचा लीजिए जिससे कि आप उन क्वेश्चंस को दोबारा देख सको। तो ये सारी चीजें आप याद रखिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बहुत ठंडे दिमाग से गेट का पेपर दीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ जो आप लोग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, उनके आंसर देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले तो नमस्कार सब लोगों को। यहाँ लिखा हुआ है सर प्लीज बताइए आपने कौन कौन से सब्जेक्ट 100% कंप्लीट कर दिए हैं। देखिए 100% मींस थोड़ा बहुत पार्ट हो सकता है छूट गया हो किसी का, अदरवाइज हमारे हिसाब से सिर्फ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो हमारे हिसाब से अपना बचा हुआ है मैथमेटिक्स, कम्युनिकेशन और EMT, ये तीन सब्जेक्ट बचे हुए हैं। मैथ्स भी आधा करीब हो चुका है, आधा नहीं बोल सकते 40% हो चुका है, बाकी EMT कम्युनिकेशन बचे हुए हैं और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ वीडियो बचे हैं। बाकी सब्जेक्ट में ऐसा है कि दो चार वीडियो बचे हुए हैं, बाकी आप 100% तो नहीं लेकिन हाँ 98% बोल सकते हो कंप्लीट हो चुका है। और जो वीडियोज बचे हुए हैं उनको भी मैं जल्द ही उनको कंप्लीट करा दूंगा। आपने कहा था कि गेट से पहले सारा सिलेबस करवा दूंगा, देन व्हाट अबाउट EMT, विल यू अपलोड इट? बिल्कुल मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपलोड करने की, लेकिन अभी क्या है चुनाव ना आ गए थे तो उसमें भी ड्यूटी लग गई थी तो टाइम नहीं मिल पाया, बहुत सारे और भी काम चलते रहते हैं, कॉलेज में भी कुछ काम आ गया था तो वहाँ पे भी बिजी हो जाता हूँ तो नहीं कर पाता हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, अभी और स्पीड बढ़ाऊंगा अपनी, तो मैं कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट करा दूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। इन हाउ मेनी वीडियोज यू विल कंप्लीट एनालॉग? प्लीज कंप्लीट ऑसिलेटर्स इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरे हिसाब से देखो CMOS बचा हुआ है, ऑसिलेटर्स बचा हुआ है, दो टॉपिक तो ये बचे हुए हैं, एक आध दो टॉपिक और होंगे तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मुश्किल से आप ये समझ, ओपेम के दो तीन वीडियो और बचे हुए हैं, तीन वीडियो, तो आप ये समझ लीजिए कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे बड़ा सब्जेक्ट हो रहा है ये अभी तक जितने सब्जेक्ट अपलोड किए हैं। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी 78 वीडियो करीब हो चुके हैं, आप ये मान के चलिए कि 10-12 वीडियो और हो जाएंगे तो अपने 90 वीडियोज करीब में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हो जाएगी। जल्दी करूंगा मैं, मैथमेटिक्स भी पैरेलल में चला देता हूं अब। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट विल बी माय रैंक इफ आई गेट अराउंड 60 इन गेट 2019। देखिए रैंक कभी भी मार्क्स पे डिपेंड ही नहीं करती है, डिपेंड करता है कि पेपर इजी आया या टफ आया। जैसे एक बार मुझे याद है 2014 करीब का पेपर था जिसमें जहां तक मुझे याद है 67 मार्क्स में टॉप किया था किसी ने, 67 मार्क्स एक के थे जिसकी फोर्थ रैंक थी शायद, ऐसे ही कुछ था 67 मार्क्स पे, जबकि बाकी पेपर्स में आप देखोगे 67 मार्क्स पे आपकी अंडर 100 आना भी मुश्किल हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि पेपर कैसा है, इजी है या टफ है, बट नॉर्मली हम बता सकते हैं कि अगर आपके मार्क्स 60 आ जाएं तो आप हाँ ऐसा मान सकते हैं कि आपकी रैंक हो सकती है अराउंड 200 के आसपास हो सकती है, और टफ पेपर होगा तो फिर तो हम बोल रहे हैं कि बहुत नीचे भी, बहुत अच्छी रैंक भी आ सकती है अगर टफ पेपर होगा तो पेपर टफ होगा तो कम मार्क्स में ही अच्छी रैंक आ जाती है। जैसे मेरे एक टाइम पे 69.69 थी और उस टाइम पे मेरी रैंक थी 171, और दूसरी बार में एक बार में 67 में ही फोर्थ रैंक थी किसी की। तो डिपेंड करता है पेपर टफ है या इजी। आई वॉन्ट व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप के लिए आप एक काम कीजिए, अपना नंबर हमें फेसबुक पे भी छोड़ दीजिए और यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए तो मैं ज्वाइन करा दूंगा आपको। लिंक है मेरे पास, मैं एक्चुअली लिंक कई बार शेयर नहीं कर पाता हूँ, आप लोगों को मिल नहीं पाती है या पुरानी लिंक कई बार मैं रिवोक कर देता हूँ। होता क्या है कुछ लोग फालतू के मैसेज डालने लगते हैं तो मैं लिंक उसे रिवोक करके और उसको रिमूव कर देता हूँ उस व्यक्ति को। तो आप अपना नंबर छोड़ दीजिएगा, मैं ऐड कर दूंगा आपको। EMT स्टार्ट कब करेंगे? बस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथ, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ही कंप्लीट होगा तो EMT या कम्युनिकेशन में से कोई एक स्टार्ट करेंगे, और मैथ्स तो चला ही रहे हैं, और जैसे ही मैथ्स कंप्लीट होगा तो अगेन दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। EMT करवा दीजिए, हैवंट टच EMT येट बट बाकी सब्जेक्ट हो गए हैं। देखिए मैं आपको इतना उम्मीद दिलाता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मुझे 10 दिन का भी टाइम मिल गया ना तो मैं EMT आपकी ऐसी करा दूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप जाओगे आप पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी EMT की आप बहुत टेंशन मत लीजिए,
पांच एक नंबर की, 5 से 7 नंबर की ही एमटी, 7 की भी नहीं आती है, 5 एक नंबर की करीब आती है। तो मैं कोशिश करूंगा कराने की। कैलकुलेशन इंप्रूव कैसे करें? जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएगी। प्रणाम पुष्पेन जी, पुष्पेन जी प्रणाम। सर आप ईएमटी कब स्टार्ट, ये मैं बता चुका हूँ। सर डिजिटल के बचा हुआ पार्ट कब तक कंप्लीट होगा? डिजिटल का पार्ट मुझे जहां तक याद है, एक तो एडीसी डीएसी बचा हुआ है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग, और लॉजिक फैमिली बचा हुआ है। यही दो पार्ट हैं और मेमोरीज वाला पार्ट है। मेमोरी वाला तो पार्ट तो थ्योरेटिकल है, वो आप लोग कर भी सकते हैं, फिर भी मैं करा दूंगा। लेकिन ये दोनों पार्ट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा तो किसी दिन टाइम निकाल के, 8-10 वीडियो है तो मैं अपलोड कर दूंगा उसको। आपकी सारी वीडियो सीरियसली देख के प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चन तो गेट निकल जाएगा, या कोचिंग ज्वाइन करें? मुझे तो ऐसा लगता है कि निकल भी जाएगा गेट और बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। बाकी आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। बाकी निकल जाएगी आपका, अच्छा निकल जाएगा, यही करेंगे तो आपका निकल जाएगा। मैथ सिलेबस व्हेन कंप्लीटेड? मैथ्स का भी मैं अभी एनालॉग का मैं सोच रहा हूँ जल्दी से एनालॉग कंप्लीट कर दूं, तो फिर मैथ्स पे ही आता हूं फिर मैं। तो जहां तक है मैं 10-10 दिन में मैथ्स स्टार्ट कर दूंगा, 10 से और पहले ही कोशिश करूंगा, जल्दी करा दूंगा। सिग्नल एंड सिस्टम में कुछ टॉपिक बाकी हैं, 1-2 टॉपिक बाकी हैं जैसे कि एफएफटी वगैरह बाकी है, लेकिन वो आता नहीं है गेट में, इसलिए मैंने अभी छोड़ के रखा है। गेट का एग्जाम होने के बाद मैं वो अपलोड कर दूंगा। अभी मैं गेट के टॉपिक पे ज्यादा फोकस, जिन सब्जेक्ट में कुछ छूटा हुआ है वो वही टॉपिक होगा ज्यादातर जो गेट में उतना आता नहीं है, क्योंकि मैं अभी चाह रहा हूं कि एग्जाम से पहले गेट का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो वो मैं बाद में कंप्लीट कर दूंगा। करेंटली आई एम इन 3rd सेम ईसी, हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर गेट एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम साइमल्टेनियसली? मैं तो आपसे एक बात बोलूंगा कि आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए अलग से तैयारी मत कीजिए। आप गेट की तैयारी, देखिए गेट क्या है, ब्रॉड एरिया है, तो वो आप तैयारी करेंगे तो उसमें यूनिवर्सिटी एग्जाम इनबिल्ट हो जाएगा। हाँ, बस ये बोल सकते हैं कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप शॉर्ट ट्रिक नहीं यूज कर सकते। तो जब भी आप तैयारी करें तो शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ उसकी मैं प्रॉपर कन्वेंशनल मेथड भी बताता हूँ, तो वो भी आप समझ लीजिए। क्योंकि आप जब गेट की तैयारी करोगे तो आपको थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम आई थिंक उतना डीप में नहीं जाना पड़ता है। तो आप अच्छा होगा कि डीप वाली चीज समझ लीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो हो सकता है थोड़ा बहुत परसेंटेज में फर्क आ जाएगा कि आपकी भैया 80 आना होता है, 78 आ जाएगी, तो 1-2% से कोई फर्क नहीं पड़ना होता है। फाइनल तो हमारा यही है कि जॉब मिल जाए हमें, अच्छी जगह हम पहुंच जाए, तो फाइनल अचीवमेंट यही होता है। तो आप गेट की तैयारी कीजिए अच्छे से। एंड फॉर मैथ विच बुक शुड आई, मैथ के लिए वीएस ग्रेवाल की बहुत अच्छी बुक है, और खास तौर से उसमें जो नोट करके लिखा होता है ना बॉक्स में, छोटी छोटी चीजें नोट करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको नोट करिएगा, वो बहुत काम की चीज है। कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं आउट ऑफ ऑल? देखिए सारे सब्जेक्ट से लगभग बराबर आता है, मैथ से सबसे ज्यादा आता है 15 नंबर का, बाकी सभी सब्जेक्ट से लगभग 7-7 नंबर का आता है, ईएमटी से कम आता है थोड़ा सा, और कम नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट से 9-9 नंबर का आता है, मैथ से 15 नंबर का आता है, और एफटी रीजनिंग इंग्लिश 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 से 6 नंबर का आता है, एफटी रीजनिंग से 9 नंबर का आता है, ईएमटी से सबसे कम आता है 7 नंबर का। तो सारे सब्जेक्ट हमारे हिसाब से बराबर हैं, कभी किसी में 9 का 10 नंबर हो जाते हैं तो किसी में 9 के 8 नंबर, सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपको जो अच्छे लगते हैं आप वो कर सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से सारे कीजिए अगर टाइम है तो, टाइम नहीं है तो कोई भी जो आपके बेस्ट हो वो 6 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लीजिए। मैथ्स तो कंपलसरी है, मैथ्स तो लीजिए। इज ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सफिशिएंट टू क्रैक गेट? मेरे हिसाब से अकेले क्वेश्चन पेपर से तो नहीं होगा शायद, अगर आपका उतना नॉलेज नहीं है, अगर आपकी तैयारी थोड़ा सा अच्छी है तो हो सकता है, लेकिन केवल गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से तो आई थिंक नहीं होना चाहिए। बाकी आप और भी मैंने प्रोसेस बताई हुई है कि जो गेट के प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज के कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं वो देख लीजिएगा, तो कम टाइम में कैसे करें वो भी आपको मिल जाएगा। एक है हाउ टू क्रैक गेट इन 45 डेज, लेकिन बहुत अच्छी रैंक नहीं आ पाएगी उतने कम टाइम में, लेकिन हाँ आप क्रैक कर लोगे गेट को। गुड इवनिंग सुजीत जी। सर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट प्लस पॉजिटिव फीडबैक पर अप्लाई हो पाएगा? देखिए पॉजिटिव फीडबैक में या तो आपका आउटपुट इनफाइनाइट हो जाएगा या फिर ऑसिलेशन होगा, मतलब या तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा या फिर ऑसिलेशन होगा, तो वो एम्पलीफायर की तरह काम ही नहीं करेगा, तो वहां गेन निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, तो वहां पे वर्चुअल ग्राउंड आपकी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट या वर्चुअल ग्राउंड एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन हाँ, कहीं अगर निगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक दोनों लगे हुए हैं तो वहां ऐसे इस तरीके से कॉन्सेप्ट हो जाता है कि कई बार निगेटिव फीडबैक मोर इफेक्टिव होता है, तो वहां पर वर्चुअल ग्राउंड वर्चुअल शॉर्ट सर्किट एप्लीकेबल
एप्लीकेबल होता है, लेकिन नेगेटिव फीडबैक है ही नहीं, सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक है, तो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि या तो सिस्टम ऑसिलेटर की तरह काम करेगा तो वहां पे वो काम नहीं करती है वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, और या फिर अनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम, तो गेन वहां कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं, वो एम्पलीफायर की तरह काम ही नहीं करेगा। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक में वर्चुअल शॉर्ट सर्किट या वर्चुअल ग्राउंड नहीं अप्लाई करना है, लगता ही नहीं है। वॉट विल बी गेट स्कोर रिक्वायर्ड टू गेट इनटू आईएससी बेंगलोर? गेट स्कोर नहीं बोल सकते, मार्क्स भी नहीं बोल सकते, रैंक बोल सकते हैं। आई थिंक आप ये समझ लीजिए कि वही करीब 18 करीब उसमें सीट होती हैं एक ब्रांच में, और शायद मेरे हिसाब से एक इलेक्ट्रॉनिक्स पर्टिकुलर के लिए दो ब्रांच है वहाँ पे, तो दो ब्रांच के हिसाब से आप डबल कर लीजिए, तो अब मान लीजिए आपके वहाँ पे 36 टोटल सीट हैं, तो 36 सीट में कितने बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं? आप ये मान के चलिए कि हो सकता है टॉप 36 में से कुछ ना फिल करें, तो आप ये मान के चलिए कि 100 तक आपका हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली 100 रैंक पे कई बार नहीं मिल पाता है, तो आप 100 रैंक मान के चलिए, मार्क्स तो मैं नहीं बता सकता। और कुछ बार कोई इंसिडेंट से अगर कम लोग वहां पे फिल किए टॉपर लोग तो जा सकते हैं, लेकिन वहां पे जल्दी कम ही रैंक पे फिल हो, अच्छी रैंक पे फिल हो जाता है, मतलब अंडर 100, कई बार तो अंडर 100 में भी 90 रैंक वाले को कई बार नहीं मिल पाता है, तो सीट कम है वहां पे और वो टॉप पे ही रहता है हमेशा। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं आप लोगों के, मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने के। यूपीपीसीएल का एग्जाम 1 जनवरी 2019 को है, उसकी प्रिपरेशन के बारे में बताइए। देखिए इसकी फुल फॉर्म एक्चुअली मुझे नहीं पता, ये कौन से आप एग्जाम की बात कर रहे हैं, फुल फॉर्म लिखते तो शायद मैं कुछ बता पाता आपको, आप सिलेबस भेज दीजिएगा तो शायद मैं उसके बारे में आपको कुछ बता पाऊँ। अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं, प्रिपरेशन 21 दिसंबर खत्म है, हाउ टू प्रिपेयर। एग्जाम के टाइम पे भी आप जो सब्जेक्ट आपके उसमें है यूनिवर्सिटी एग्जाम में और वो अगर गेट में है कॉमन, तो आप गेट लेवल की ही तैयारी कीजिए, अगर वो नहीं है तो उनको अभी आपकी एग्जाम उसकी तैयारी कर लीजिए, उसके बाद गेट की तैयारी कीजिए। हेलो सर, मुझे गेट 2020 में देना है अलोंग विद कॉलेज प्लस कोचिंग, क्या लिखा हुआ है, एक स्ट्रेटजी कितने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें? अब कॉलेज और कोचिंग सब कर रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट तैयार कीजिए, फिर कोई फिर तो क्या, आपको सारे ही सब्जेक्ट तैयार कर लेना चाहिए, बहुत टाइम है आपके पास। हो सकता है मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ, एक साथ लिखा है आपने, दो सब्जेक्ट पैरेलल में लेके चलिए, दो सब्जेक्ट पैरेलल में लेके चलिए। वुड यू मेक वीडियो फॉर मशीन पावर सिस्टम? देखिए मशीन पावर सिस्टम तो नहीं अभी बना पाऊंगा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ, तो पहले मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा और फिर मुझे अगर लगेगा कि इतना नॉलेज हो गया है तो बना पाऊंगा, पहले तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो कंप्लीट करूंगा। हाँ, माइक्रो प्रोसेसर मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी ही। EMT के बारे में बता चुका हूँ, कम्युनिकेशन के बारे में बता चुका हूँ, हाउ टू मैनेज बीटेक कोचिंग, मैनेज करना तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, आपके पास जो एक टाइम होता है ना सोने वाला टाइम, कुछ भी मैनेज करने का आपसे बोला जाए तो वहां से टाइम निकालिए, 7-8 घंटे जो आप सोते हो ना, कुछ भी मैनेज करना है तो उसको वहां मैनेज मत कीजिए, ये नहीं कि कोचिंग जा रहे हैं तो कॉलेज बंद कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं करना, या कोचिंग में फीस भर दिया आपने और आप कॉलेज जा रहे हो और कोचिंग नहीं जा रहे हो, क्यों पैसे भी बर्बाद क्यों करना, या कॉलेज भी क्यों बंद करना, वहां पे भी तो कुछ सीखते हो। तो आपको जब भी कोई मैनेजमेंट की बात आए ना तो वो टाइम मैनेज करो जहां से अपन को कष्ट हो, कष्ट मतलब आप सोते हो ना आराम करते हो वो वाला टाइम आप उस टाइम से निकालो, टाइम किसी भी चीज के लिए, या मतलब कोचिंग तो इवनिंग में होगी कॉलेज टाइम अलग होगा, बाकी आप बोल रहे हो कि कोचिंग की पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई कैसे करें, तो वो सोने वाले टाइम से निकालो, या जो घर में रेस्ट करते हो आराम करते हो उन टाइम को मिनिमाइज करके वहां से मैनेज करो। अदर देन गेट व्हाट आर द एग्जाम्स आफ्टर फेयर फॉर ईसी जिसमें ट्राई किया जा सकता है? देखिए एक तो आप गेट का फॉर्म जब भरे होंगे तो शायद BARC बार्क का फॉर्म आया होगा हवा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसमें दो ऑप्शन रहते हैं, एक गेट के थ्रू और एक उसका खुद का रिटर्न, तो दोनों पे अगर आप टिक किए होंगे तो एक तो वो हो गया, एक इसरो का एग्जाम आता है, तो दो एग्जाम तो ये हैं ही, बाकी कुछ PSUs के एग्जाम निकलते रहते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कई बार गेट से आता है, कई बार उनका खुद का रिटर्न होता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भी कई बार गेट से आता है, कई बार उनका खुद होता है, तो ये आप चेक करते रहिए freshaworld.com पे, तो आपको पता चल जाएगा बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। EDC में एक MOSFET में फ्लैट बैंड, हाँ ये बचा हुआ है टॉपिक, अब बस जी मैं करा दूंगा कंप्लीट।
उसमें सीमोस भी बचा हुआ है, एडीसी में सीमोस की कैरेक्टरिस्टिक बची है, वो भी मैं करा दूंगा। 2020 गेट की तैयारी कैसे करें ये मैं बता चुका हूँ। तो टेस्ट सीरीज में अक्सर ये हो जाता है कि क्वेश्चन होता नहीं है और बाद में जब उसका सॉल्यूशन देखो तब ऐसा लगता है कि यार कितना इजी क्वेश्चन था। हाँ, तो ये इसका मतलब है आप प्रैक्टिस की कमी है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आप बहुत ज्यादा टेस्ट दीजिए, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि ये चीज खत्म तो नहीं होती है, ये हर एक व्यक्ति में ये प्रॉब्लम रहती है, हम में भी रहती है, लेकिन मिनिमाइज हो जाएगी जब आप प्रैक्टिस बहुत करोगे तो धीरे धीरे करके। अभी हो सकता है आपके 100 में से अगर 40 क्वेश्चन ऐसे होते होंगे जो आपको लगता है कि बनते तो हैं लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बने, लेकिन जब प्रैक्टिस बहुत करोगे तो हो सकता है सिर्फ ऐसे 4 क्वेश्चन बचेंगे, तो मिनिमाइज कर सकते हो आप इसको, तो प्रैक्टिस कीजिए बहुत ज्यादा। डिजिटल कम्युनिकेशन कब स्टार्ट हो, तो कम्युनिकेशन करेंगे तो दोनों ही कर देंगे। एम्पायर शैडो जी, एम्पायर शैडो जी थैंक यू, वेलकम। इलेक्ट्रिकल के लिए एनालॉग में कितना पढ़ना चाहिए? इलेक्ट्रिकल आप अपना सिलेबस देखिए, सिलेबस में जो दिया हो वो पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। जल्दी एनालॉग खत्म करिए, बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी एनालॉग खत्म करने की। बेसिक थोड़ी वीक है, गेट की तैयारी कैसे करें? आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, सीरीज में वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हर सब्जेक्ट की। आपको वीक और स्ट्रॉन्ग से कोई मतलब ही नहीं है, आप पहले वीडियो से देखोगे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लीज सर जवाब दीजिए किस चीज का, बेसिक से। हाँ ये मैंने जवाब दे दिया आपका। योर वीडियोज आर वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है आपके लेक्चर देखकर, बस प्लीज बिल्कुल। मैं सना जी मैं EMFT करा दूंगा, कंप्लीट करा दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, बहुत जल्दी जल्दी मैं करूंगा, थोड़ा फ्री हो गया हूँ अभी, थोड़ा ड्यूटीज वगैरह थी बहुत सारी तो नहीं कर पा रहा था। 2020 की मैंने बता दिया है, आई हैव कंप्लीट 1 ईयर फॉर गेट एग्जाम, आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर व्हाट्सएप, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, वैसे आप अपना नंबर छोड़ दीजिएगा तो मैं उसमें आपको जोड़ दूंगा। आई डिडंट प्रिपेयर EMFT टिल नाउ बट कवर्ड प्रिपेयरिंग अदर सब्जेक्ट्स एट दिस पीक टाइम, प्रिपरेशन शुड आई प्रिपेयर फॉर स्टडी? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अगर मुझे टाइम मिल पाया, मैं 100% मुझे लग रहा है कि टाइम मिल जाएगा, मैं EMFT कंप्लीट कराऊंगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपको अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, आप बस एक बार वीडियो देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी करवाने की। राधा जी सर बैंड बेंडिंग डायग्राम मॉस्फेट, हाँ ये रह गया है मॉस्फेट के थोड़े रहे, उसमें EDC में कुछ बचे हुए हैं वीडियो सीमोस और मॉस्फेट के, मैं कंप्लीट करा दूंगा। EMFT मैं बोल चुका हूँ, आपने कहा था 10 दिन में, देखिए कई बार होता है कि मैं बोल देता हूँ करा दूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि मैं करा पाऊंगा, लेकिन फिर बिजी हो जाता हूँ, बहुत सारे काम और भी रहते हैं, घर के भी काम रहते हैं, जॉब में भी काम रहते हैं, कई बार कुछ सडन ऐसी ड्यूटी आ जाती है जो मुझे नहीं पता रहता है तो मैं नहीं करा पाता हूँ, पर मैं कोशिश करूंगा जल्दी करा दूंगा। अब इन जनरल एप्टीट्यूड के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताइए, देखिए जनरल एप्टीट्यूड में आप उसमें एक इंग्लिश वाला पार्ट होता है 6 नंबर का, उसको तो आप छोड़ दीजिए, जिस पे बनेगा क्वेश्चन उस पे बनेगा, जिसका इंग्लिश अच्छा होगा, जिसमें नहीं बनेगा आप अलग से तैयारी मत कीजिए। बाकी रीजनिंग एप्टीट्यूड जनरल एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो कुछ टाइम वर्क वाले क्वेश्चन आते हैं कि इसने इतने दिन में इतना काम किया, इतने लोगों ने तो इतने दिन में कितने लोग कितना काम करेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ इंटरेस्ट वाले इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं अगर आपका मैथमेटिक्स, एक तो प्रोबेबिलिटी से ही क्वेश्चन आ जाता है, कई बार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से लॉजिक के क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें, वो वाले पार्ट में, तो आपको बहुत ज्यादा टफ वहां पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है ना तो आप पे वो पार्ट बहुत अच्छे से बनने वाला है, आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, आप अलग से तैयारी मत कीजिए उसकी। कम्युनिकेशन रैंडम प्रोसेस, हाँ मैं कम्युनिकेशन रैंडम प्रोसेस से ही शुरू करूंगा, मैं नॉर्मली करता ही हूँ उसी से। रिप्लाई मैंने कर दिया है इनका, और ओपेम्प के गेट 2016-17, अभी मैं गेट के वीडियोस तो नहीं बना डाल पाऊंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, क्योंकि अभी मैं चाह रहा हूं कि जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूं, तो पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा। आई एम कंफ्यूज आइदर टू चूज गेट और ESE और बोथ, करेंटली आई एम इन 6th सेम, दोनों चीजें अलग अलग हैं। देखिए गेट अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो गेट से बहुत सारे एरियाज आपके खुल जाते हैं, एक तो आप MTech कर सकते हो, PhD में जा सकते हो MTech के बाद, और दूसरा बहुत सारे PSUs में डायरेक्ट गेट के थ्रू जा सकते हो, लेकिन अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज करते हो
पर्टिकुलर उसमें अगर आपका उसी में इंटरेस्ट है तो ही आप वहाँ जाइए, क्योंकि वहाँ अगर आप जाते हो तो उसकी प्रोसेस अलग है। वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं 120 क्वेश्चन 120 मिनट, मतलब वहाँ के क्वेश्चन के लिए आपको कैसा मेमोरी अच्छी होनी चाहिए कि आप देखो और क्वेश्चन का आंसर बता दो। लेकिन गेट के लिए पर्याप्त टाइम रहता है, लेकिन बहुत डीप क्वेश्चन आते हैं, बहुत गहराई में जाना होता है। तो यहाँ पे जब आपको अच्छा सा नॉलेज आप गेन कर लो, ऐसा नहीं है कि कोई कर नहीं सकता, सब कर सकते हैं। अगर आप बहुत डीप में पढ़ सकते हो तो गेट की तरफ आइए, दोनों में से आपका जिसमें रुझान हो। आई एम स्ट्रॉन्ग इन न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन एंड एप्टीट्यूड, बट आई एम क्वाइट कंफ्यूज दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश। अलग से तैयार बिल्कुल मत कीजिए, मैंने अभी बता दिया है, इंग्लिश सेक्शन के लिए अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं। आपको क्वेश्चन दिखेंगे, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत आसानी से बन जाते हैं, जैसे एक बार आया था 2 and 2 और फिल्म दी प्लान और 4, तो 2 and 2 make 4, तो जिस पे बनता है वो बहुत आसानी से बता देगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो अपने दिमाग में नहीं आते हैं, तो वो जो चीजें दिमाग में चढ़ी हुई होती हैं बन जाएंगी। आप अलग से तैयारी मत कीजिए इंग्लिश की। सर नमस्ते। नमस्ते दीपेश जी, मैं आपकी वीडियोज देखता हूँ, मुझे बहुत बेनिफिट हो रहा है, पर मेरे 7 semester एग्जाम आ गए हैं 17 से 31 तक, क्या करना चाहिए सर, प्रिपरेशन कैसे कंटिन्यू करें। देखिए मुझे जहां तक पता है, अगर आप कि उसमें 7 semester में जो सब्जेक्ट हैं वो गेट्स के से मैच नहीं कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल गेट की तैयारी छोड़िएगा मत। हर दिन 2-3 घंटे तो आप दीजिए गेट को, क्योंकि चूंकि आपके एग्जाम आ गए हैं तो नॉर्मल सी बात है आपका कॉलेज का टाइम खत्म, कॉलेज नहीं जाना आपको, सिर्फ जिस दिन एग्जाम देने जाना है उस दिन 3-5 घंटे मान लीजिए, बाकी टाइम आपको घर पे रहना। तो अगर आप एग्जाम वाले सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो 5 घंटे, तो 2-3 घंटे तो आप गेट के सब्जेक्ट के लिए निकालिए, उसको बिल्कुल छोड़ मत दीजिएगा, नहीं तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। I want to join WhatsApp group, जिन जिन को ज्वाइन करना है वो अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा यहाँ पे, मैं ज्वाइन करा दूंगा। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट का लेक्चर अपलोड कीजिए। इलेक्ट्रिकल तो नहीं कर पाऊंगा, इलेक्ट्रॉन हाँ मेजरमेंट का मैं करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन उसमें गेट के लिए स्टडी मटेरियल लेना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता स्टडी मटेरियल अलग से आपको लेने की जरूरत है। एक आध बुक मैं बताता हूँ, वही कनोडिया वगैरह जो ओल्ड वर्जन आता है वो आप ले सकते हैं, बाकी सब कुछ तो ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको ऐसा कुछ हार्ड वो नहीं है कि बिल्कुल लेना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आप कोई बुक ले लीजिए। हाँ डिजिटल डीएससी एडीसी मैं कंप्लीट करा दूंगा, और ये जो लोग नंबर यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं उनका नंबर मैं जोड़ दूंगा। व्हाट आर योर सजेशंस एंड ऑफलाइन कोचिंग्स और सेल्फ स्टडी स्ट्रेटजी। ये देखिए मैं टू गेट AIR 1 तो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, बाकी मैं ये नहीं बोलूंगा। अगर मैं बोल दूं आप कोचिंग जाओ तो वो भी मुझे ठीक नहीं लगता, अगर मैं बोल दूं कि मत जाओ तो और आपकी कल के दिन नहीं आ पाई, डिपेंड करता है आपके ऊपर। कोचिंग में कई बार क्या हो जाता है कि भैया एक आपने पढ़े वो टाइम कर तो रहो, उतने टाइम आपको करना ही है, बन गया। लेकिन कई बार हम लोग क्या है आलस के कारण डेली नहीं पढ़ पाते हैं सेल्फ स्टडी से। लेकिन अगर आप अच्छी रैंक लाना चाहते हो, फर्स्ट रैंक खासतौर से आप बात करो, तो आपको खुद से तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो बेस्ट मैं तो हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि आप सेल्फ कीजिए सेल्फ स्टडी, लेकिन मैं किसी को रोकता भी नहीं हूँ, आपके ऊपर है आपको जहाँ जाना है। मेहनत आपको बहुत करना पड़ेगा, बस ये इंपॉर्टेंट है, आप खुद बहुत मेहनत कीजिए, बाकी चीजें तो फिर आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। मैं बिल्कुल क्लियर सजेशन नहीं दे सकता कि आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए कि नहीं। इसके बाद क्या गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ा सकता है? बिल्कुल मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो उसी के थ्रू आया हूँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में, मेरा रिक्रूटमेंट हुआ है रेगुलर फैकल्टी में गेट के थ्रू हुआ है, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है वैकेंसी कब आ रही है, किसके थ्रू आ रही है, कई बार पीएससी के थ्रू आती है, कई बार गेट के थ्रू आती है। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कई बार पीएससी के थ्रू, कई बार गेट के थ्रू, इस बार गेट के थ्रू आएगी वैकेंसी, तो पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसके थ्रू वैकेंसी निकल रही है उस पर डिपेंड करता है। मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिए, मैंने देखा नहीं आपका उत्कर्ष जी क्या क्वेश्चन था, वैसे मुझे लगता है मैंने आंसर दे दिया होगा। विच इज बेटर एमटेक टीए और आरए? टीए आरए क्या है, मुझे ये डाउट है, टीए आरए क्या है ये, आप फुल फॉर्म लिख दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई सब्जेक्ट है आई थिंक एमटेक का, ऐड कीजिए सर पीएसयू की जॉब। मैथ नहीं तैयार है, मैथ मैं अपलोड कर दूंगा, आप परेशान मत होइए। आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आई वांट टू जस्ट क्वालिफाई गेट दिस, आई स्टडी इन 1.5 month। हाँ तो आप वो वीडियो देख लीजिए क्रैक गेट इन 45 days, इसी चैनल पे डाला हुआ है। अब बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी से 45 days तक की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, एक वीडियो डाला है मैंने क्रैक गेट इन 45 days।
सर अभी 5 सब्जेक्ट बचे हैं, EMFT, एनालॉग सिग्नल और मैथ, क्या प्रोबेबिलिटी है 10 घंटे पढ़ने? 10 घंटे में तो आप क्या नहीं कर सकते हो, अगर 1 महीने भी 10 घंटे पढ़ लिया ना, तो आपने अगर आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी 10 घंटे, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है एक्चुअली, प्रॉब्लम ये है, पढ़ लोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। टीचिंग असिस्टेंट और आरए क्या है? आरए भी मुझे नहीं पता आरए क्या है सर। डिजिटल का FSM टॉपिक, ये क्या है FSM क्या है भैया? इफ आई, आप लोग कई बार शॉर्ट फॉर्म लिखते हो, मुझे समझ में नहीं आती है कुछ शॉर्ट फॉर्म, कुछ कुछ नहीं आती है, तो आप फुल फॉर्म लिख दिया कीजिए। सर जी, मेड इजी के नोट्स खरीदना जरूरी है क्या, या गेट ट्रैकर्स और NPTEL का वीडियो देखकर भी काम बन जाएगा? देखिए, मैं किसी की बुराई तो अब नहीं कर सकता हूँ, सभी अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेडिजी के टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो उनका कोई तोड़ नहीं है। मेरे हिसाब से आप नोट्स परचेज ना करके अगर उनके क्लास नोट्स के हैंड रिटन मिल जाए, हैंड रिटन जो रहते हैं वो ज़्यादा बेस्ट होंगे, तो उनके लिए परचेज करने की जरूरत नहीं है, हमारे हिसाब से ऑनलाइन डले हुए होते हैं, तो वो आप ले लीजिए। और बाकी तो वीडियोस देख के और बहुत सारा ऑनलाइन कंटेंट इतना रहता है कि आपको अलग से हार्ड कॉपी परचेज करने की आई डोंट थिंक आपको जरूरत होना चाहिए। कुछ बुक्स हैं जो बुक्स वगैरह ले लीजिए, जैसे जो जो आपको प्रैक्टिस में काम आए, बाकी नोट्स आप परचेज मत कीजिए, हैंड रिटन नोट्स आप कहीं से फोटो कॉपी करा लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, वो काम आएंगे आपको। रिसर्च असिस्टेंट इन्होंने बोला है और एक टीचिंग असिस्टेंट, देखिए इसमें मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है यार TA और RA में, तो सॉरी यार इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। हेलो सर, गुड इवनिंग, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, मैं NIT श्रीनगर से डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हूँ सर, मुझे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स करना, क्या लिखा हो, करना कहिए या नहीं, करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल कर सकते हो आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल से भी हो तो भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए। फाइनाइट स्टेट मशीन शायद सर, हाँ फाइनाइट स्टेट मशीन बचा हुआ है, बिल्कुल सही, लेकिन वो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी नहीं है उतना इंपॉर्टेंट है, कई सालों में एक आध क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने छोड़ के रखा है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट वो सिलेबस कंप्लीट हो जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं धीरे धीरे कंप्लीट करा दूंगा ये फाइनाइट FSM। हाँ बस जी, सॉरी, मैं करा दूंगा इसको। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में IIT में टेक करने, क्या MTech करने के लिए कितनी रैंक चाहिए? वो तो यार डिपेंड करता है कितनी उसमें सीट हैं उस पर्टिकुलर IIT में, और वो कौन सी रैंकिंग पे आता है। बाकी मेरे हिसाब से अगर आप अंडर 400, इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो अंडर 400, अंडर 300 अगर लाते हैं तो चांसेस रहते हैं IIT में जाने के, और फिर डिपेंड करता है आप कौन से IIT में जाना चाह रहे हैं, न्यू IIT, ओल्ड IIT। न्यू IIT इसमें और कम रैंक में आपका हो जाएगा, ओल्ड IIT में थोड़ी अच्छी रैंक चाहिए होगी। सर मैथ तैयार नहीं है, अब लास्ट मंथ क्या स्टडी, मैथ्स मैं करा दूंगा, मैथ्स तो मैं कंप्लीट करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए आप, मैथ्स करना ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, हो सकता है किसी के आंसर IIT बॉम्बे के लिए, IIT बॉम्बे के लिए आई थिंक अच्छी रैंक चाहिए होगी यार, 200 के आसपास रैंक हो सकता है उसके आसपास, और हर बार ट्रेंड चेंज होता है एक्चुअली, IIT 7 हैं पुराने, उनमें से कुछ कभी कभी ये ऊपर आ जाता है, कभी ये नीचे आ जाता है, तो उसके ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो टॉप पे ही होगा तो हो सकता है 100 पे भी नहीं, डिपेंड करता है उस साल का प्लेसमेंट क्या रहा उस पर्टिकुलर ब्रांच में, तो वो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग उसकी रैंकिंग ऊपर नीचे होती है, तो कई बार अच्छी रैंकिंग वाले बच्चे वहां पहुंच जाते हैं। तो हो सकता है मैंने अभी किसी के आंसर नहीं दे पाए होंगे, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं कोशिश करूंगा आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूँ टाइम पे, लेकिन हो सकता है कुछ बच जाए, तो आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, बहुत अच्छी रैंक आएगी आपकी, गुड लक, सब लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स लाइए और खूब तरक्की कीजिए, थैंक यू सो मच।